अगर मोटरसाइकिल में पेट्रोल की जगह गलती से डीजल डल जाए तो क्या करना चाहिए उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो वैसे तो ये काफी रेयर केस चांसेस रहेंगे कि आपकी बाइक में कोई पेट्रोल की जगह डीजल डाल देगा बिकॉज एक दो एक्सेप्शन को अगर छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर जो इंटरनल कंबस्टन इंजन वाली मोटरसाइकिल्स हैं उनमें पेट्रोल ही डलता है बट जैसा कि इस बाइक के जो ओनर हैं उनके साथ हुआ कि जो पेट्रोल फिल करने वाला बंदा था उसका पहला ही दिन था तो उसको जो नोजल का कलर है वो शायद माइंड में नहीं रहा तो इसलिए इस बाइक में डीजल डल गया था तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं क्या ऐसी चीजें हैं जो कि हमें इमीजिएटली करनी पड़ेंगी ताकि हम अपने घर पहुंच सके या जहां भी हमें जाना है वहां जा सके या फिर मैकेनिक की शॉप तक जा सके और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एज ए मैकेनिक किसी मैकेनिक को इस सिचुएशन में करनी चाहिए उन सभी के बारे में बात होने वाली है और दोनों टाइप की बाइक के बारे में बात करूंगा पहली जिनमें पेट्रोल टैंक कार्बोरेटर वाला सेटअप आता है दूसरी जिनमें फ्यूल पंप और फ्यूल इंजेक्शन वाला सिस्टम आता है फ्यूल पंप एंड इंजेक्टर So hey guys welcome back to the channel my name is Jeet and without wasting much time let's get started बट उससे पहले बात करते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर की जो कि हैं कार्पियम बाइक स्कैनर सो so बेसिकली कार्पियम बाइक स्कैनर की हेल्प से आप अपनी बाइक को प्रोपरली स्कैन कर सकते हैं उसके कोड्स हैं उनको डायग्नोस कर सकते हैं रीसेट कर सकते हैं सर्विस रीसेट कर सकते हैं एंड साथ ही साथ जो लाइव डेटा है बाइक का उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं एंड अभी इनकी एक क्विक फ्लैश सेल चल रही है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है अगर आप उससे जाकर के इनका कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो आपको फ्लैट फिफ्टीन डिस्काउंट मिलेगा एंड नाउ बैक टू दीडियो तो स्टार्ट करते हैं अपना जो कार्बोरेटर वाला बेसिक सेटअप रहता है उससे तो अब फ्यूल इंजेक्शन वैसे तो बढ़िया टेक्नोलॉजी है बट इस केस में कार्बोरेटर वाली जो बाइक्स हैं उनमें ये काम करना आसान रहेगा तो फर्स्ट थिंग आपको जो करनी है वो ये है कि आपकी जो फ्यूल टैप है उसमें जो लीवर है उसको ऑफ की तरफ करना है जो पाइप है उसको निकालना है एंड उसके बाद में इसके नीचे की साइड आपको कोई कंटेनर लगाना है ताकि जितना भी एक्सेसिव डीजल और पेट्रोल बिकॉज अब मिक्स हो गया है क्योंकि थोड़ा बहुत पेट्रोल पहले से था और डीजल डल गया है तो उस पूरे मिक्सचर को निकालेंगे ऑन में तो इसमें कुछ नहीं है लेट्स ओके कैन सी इसमें थोड़ा थोड़ा निकल रहा है बिकॉज इसके जो ओनर है उन्होंने पहले ही सारा खाली कर दिया था बट उसके बाद भी ये बाइक है सही तरीके से नहीं चल रही है वो हम आगे जानेंगे कि कैसे कैसे ठीक होगी बट अभी ये जितना भी निकल रहा है उसको निकाल लेते हैं और उसके बाद बताऊंगा कि आगे वाली प्रोसेस क्या रहेगी ओलाइट सो स्टेप वन कंप्लीटेड हमने जो टैंक है उसको एम कर लिया है वैसे इसका एक मेथड हो रहा है वो आगे वीडियो में जानेंगे बट अभी स्टेप टू की तरफ चलते हैं वो है आपका जो कार्बोरेटर है उसको खाली करना तो बेसिकली जो कार्बोरेटर होता है उसमें ये जो बाउल है इसमें थोड़ा सा पेट्रोल है वो रहता है अब बिकॉज डीजल और पेट्रोल मिक्स हो गया है और हम ये नहीं जानते हैं कि आपने इमीजिएटली जो टैंक है उसको खाली कराया या बाइक को थोड़ा चलाने के बाद खाली कराया तो इसलिए अगर आप एकदम से ही आपको पता चल जाता है कि डीजल डल चुका है और आपने यहां से खाली कर दिया तब तो ये स्टेप आप स्किप भी कर सकते हैं बट कर लेंगे तो बढ़िया है बेसिकली ये जो बाउल है इसमें जो रह गया वो क्वांटिटी है वो हमें निकालनी है उसके लिए इसमें दूसरी साइड ये जो आपको स्क्रू दिख रहा है ये इस साइड भी हो सकता है किसी कार्बोरेटर सेटअप में दूसरी साइड मिल जाए बट अगर कार्बोरेटर सेटअप है और उसमें बाउल है तो आपको ये ड्रेन जो प्लग है ये जरूर मिलेगा तो ये स्क्रू है इसको हम खोलेंगे और ये जो पाइप है इसमें दूसरी साइड से जो पेट्रोल है या फिर पेट्रोल डीजल का जो मिक्सचर है वो निकलेगा तो एक बार इस पाइप को मैं इस साइड कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिख सके लाइट सो गो इसको अनस्क्रू करते हैं एंड इसके नीचे पैन वगैरह लगा लेते हैं एंड एज यू कैन सी इसमें से ये जो बुलबुले निकल रहे हैं ये आप देख सकते हैं जो कंटेनर है उसमें भी बुलबुले बन रहे हैं तो ये तभी होता है जब या तो पेट्रोल में पानी मिक्स होता है या डीजल तो दोनों में से कौन सा है वो इस वीडियो में मैंने बता रखा है बट ये दोनों के लिए ही सेम रहेगा बिकॉज पेट्रोल में ना पानी मिक्स हो सकता है ना डीजल वेस्कोसिटी का डिफरेंस होता है ना लाइट सो ये हो चुका है खाली अब ये जो स्क्रू है इसको फिर से लगाना है उसके बाद जो पाइप है उसको फिर से कनेक्ट कर देंगे इसको ओन या रिजर्व जो आपको ठीक लगे वहां पर कर देना एंड अभी ये जो दो स्टेप्स मैंने बताए हैं फ्यूल टैंक खाली करना और कार्बोरेटर खाली करना उसके बाद आप इसमें फ्रेश पेट्रोल डालिए एंड 90 प्लस परसेंट चांसेस हैं कि आपकी बाइक आराम से चलेगी बट अगर आपकी बाइक फिर भी मिसिंग करती है जैसे रुक रुक के चलना या जैसे बाइक रिजर्व में लगने को होती है ना जैसे पेट्रोल खत्म होने को हो जाता है तब बाइक जो झटके लेके चलना शुरू हो जाती है वो चीज अगर हो रही है तब जो आगे के स्टेप्स में बताऊंगा वो आपको फॉलो करने हैं अदरवाइज इतना करके आप आराम से घर जा सकते हैं अगर रस्ते में बाइक किसी भी तरीके का अब नॉर्मल बिहेव ना करे तो आप समझ लेना कि ज्यादा कुछ हुआ नहीं है यू आर सेफ लेकिन अगर बाइक अब नॉर्मल बिहेव करती है तो फिर आगे आपको या तो खुद को करना पड़ेगा या मैकेनिक से करवाना पड़ेगा तो अभी उन स्टेप्स की बात करते हैं तो अगर बाइक अब नॉर्मल बिहेव करती है तो फिर आपको थर्ड जो स्टेप करना पड़ेगा वो है इसका स्पार्क प्लग तो बेसिकली जो कैप है उसको हटा करके आपको जो स्पार्क प्लग है उसको अनस्क्रू करना है और उसके बाद इसको आपको पेट्रोल से क्लीन करना है ऑन द गो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उस प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूं और स्पार्क प्लग आप खोल सकते हैं अगर आपकी बाइक में जो साथ में टूल किट आया था वो आपने बचा के रखा है तो तो ये मत बोलना कि स्पार्क प्लग बीच रस्ते में कैसे खुलेगा स्पार्क प्लग आपने निकाल लिया अब इसको ढंग से क्लीन आप कर नहीं पाएंगे तो इसलिए इस पर पे पेट्रोल लगाइए एंड थोड़ा सा इसको हैंड क्लीन कर लीजिए एंड आपकी बाइक स्टार्ट होने लाइक तो हो जाएगी लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है देन सबसे पहली चीज़ तो आपको जो स्पार्क प्लग है उसी को चेंज करना पड़ेगा तो इसको मैं क्लीन कर लेता हूं एंड फिर वापस लगाता हूं और नेक्स्ट स्टेप है उसकी तरफ चलते हैं ओलाइट सो right, so, उसके बाद लास्ट में आपके पास दो स्टेप्स रहेंगे वो ये है कि एक तो आपको फ्यूल टैंक को बाइक से निकाल करके अच्छे से वॉश करवा के सुखा के फिर वापस लगाना है एंड सेम प्रोसेस जो है वो आपको कार्बोरेटर के साथ करनी है ये सब करने के बाद भी अगर आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होती है या कोई और प्रॉब्लम करती है तो फिर आपकी किस्मत खराब है डीजल का खाली नाम हुआ है प्रॉब्लम कुछ और है एनीवेज कार्बोरेटर बाइक में इतना ही होता है एंड ये सारे स्टेप्स करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है मैंने जो मेन मैं तीन स्टेप्स बताए ना टैंक को जितना कर सकते हो उतना खाली कर दो कार्बोरेटर को खाली कर दो एंड स्पार्क प्लग को क्लीन कर दो या फिर चेंज कर दो तो उससे आपकी प्रॉब्लम वो सॉर्ट हो जाएगी लेकिन फिर भी अगर टैंक में डीजल रह जाता है थोड़ा बहुत तो वो जरूर प्रॉब्लम करेगा तो उसके लिए आप टैंक को क्लीन कर सकते हो कार्बोरेटर को क्लीन कर सकते हो उसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है इतने में हो जाएगी अब बात करते हैं जो फ्यूल पंप वाली मोटरसाइकिल्स आती हैं फ्यूल इंजेक्टेड मोटरसाइकिल्स उसमें अगर सेम चीज आप कर दो सेम गलती आप कर दो तो क्या करना है तो ये जो बाइक्स हैं इनके लिए सेटअप थोड़ा जेंकी होने वाला है बेसिकली आपको एक बोतल लेनी पड़ेगी एंड उस बोतल का जो माउथ है उसके डायमीटर की एक पाइप लेनी पड़ेगी उसके बाद ऑल यू हैव टू डू इज अब ये मत पूछना कि हम लोगों को ये पता कैसे है <laughs> तो बेसिकली आपको जो पाइप है उसको ऑल द वे इंसर्ट करना है एंड उसके बाद बिकॉज ये जो डायमीटर है एकदम परफेक्ट है तो यहां पर से हवा नहीं होगी तो ये एक वैक्यूम पंप की तरह काम करेगा तो आप इसको पुश करिए एंड उसके बाद आप इसको जब रिलीज करेंगे तो इसमें जो टैंक का पेट्रोल है वो इसमें आ जाएगा तो पेट्रोल कम डीजल कम वाटर जो भी कॉम्बिनेशन होगा वो सारा इसमें आप निकाल सकते हैं और कुछ जो बाइक्स हैं आजकल ज्यादातर बाइक्स में क्या किया प्लेट आने लग गई है फ्यूल टैंक के जस्ट नीचे ताकि आप इस टाइप की पाइप्स वगैरह वो नहीं लगा पाए तो उस केस में फिर आपको जो पतली पाइप है उसको यूज करना पड़ेगा एंड अपना जो मुंह है उसको वैक्यूम बनाना पड़ेगा बट स्वलो मत कर लेना पेट्रोल या डीजल बिकॉज वो फिर आपको फिर आपको पहले हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा बाइक तो बाद में जाएगी एनीवेज तो इसमें यही है एंड प्लस में एक चीज और बताना चाहूंगा मैं उस उस पर मेरे को कोर्ट मत करना कि भाई आपकी वजह से मेरी बाइक का नुकसान हो गया देखो बताना मेरा काम है बट जो रिस्क है वो भी साथ में बताता हूं सो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप हाईवे राइड पर निकले हैं एंड किसी भी uh, फ्यूल बंक स्टेशन पर आपने पेट्रोल डलवाया गलती से वो दस हजार एक लाख में एक बार मुश्किल से होगा गलती से किसी ने डीजल डाल दिया या फिर ज्यादा होने वाली पॉसिबल चीज क्या है आपका जो ये फ्यूल लिड है ये लीक हो रखा है एंड इसमें से पानी चला गया मान लीजिए आपने बाइक को बाहर खड़ा कर दिया या बारिश में बाइक भीग गई उसकी वजह से जो पेट्रोल टैंक है उसमें पानी चला गया अब आपकी बाइक मिसिंग कर रही है तो पहली चीज अगर आपको पता है कि पानी या डीजल गया है तब बता रहा हूं सबसे पहले टैंक को जितना आप खाली कर सकते हैं उतना खाली करिए उसके बाद में उसको पूरा भरवाइए पेट्रोल से एंड फिर बाइक को चलाइए तो फ्यूल इंजेक्शन वाली मोटरसाइकिल्स है ना उनमें आप जो फ्यूल है उसको फोर्सफुली सप्लाई करते हो पंप प्रेशर जनरेट करता है एंड फिर इंजेक्टर के थ्रू वो रिलीज होता है या तो इनटेक पाइप में या फिर जो प्रॉपर डायरेक्ट इंजेक्शन में जो सिलेंडर हेड है है उसके थ्रू सीधा में सेंड होता है। तो बेसिकली आप कर क्या रहे हो कि आप जबरदस्ती जो फ्यूल है उसको इंजन में डाल रहे हो तो पेट्रोल हो चाहे डीजल हो फ्यूल पंप को वो नहीं पता है हाँ लेकिन डैमेज हो सकता है फ्यूल पंप या इंजेक्टर बट अगर आप इमरजेंसी सिचुएशन में हो कि आपको जाना ही है तो ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं आप बेसिकली आपने टैंक खाली करा उसमें पेट्रोल भरवाया पूरा एंड बाइक को चलाया बाइक कभी कभी मिसिंग करेगी कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि कुछ खराब तो नहीं हो गया या फिर बाइक मतलब ऐसे झटके ले ले करके चलेगी बट द थिंग इज कि आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाओगे और अगर आप लकी इनफ हो तो आपका जो फ्यूल पंप है इंजेक्टर है उनमें से किसी चीज को डैमेज नहीं होगा सीधा आपका जो डीजल है वो आपके इंजन में जाएगा डीजल जलेगा नहीं बिकॉज सीधी सी बात है कम, जो कंप्रेशन रेशियो है डीजल को वो बहुत ज्यादा अच्छी है पेट्रोल इंजन के कंपैरिजन में स्पार्क से डीजल नहीं यू नो इग्नाइट होता है तो वो आपका जो साइलेंसर है उसके थ्रू अनबर्न डीजल है वो निकल जाएगा या फिर पानी का मान लीजिए हाँ पानी जलेगा तो उसका जो काइंड uh, ऑफ kind of, जो वेपराइजेशन होता है वो होगा फिर साइलेंसर में से आपको व्हाइट स्मोक जैसा आ सकता है बट वो इंजन ऑयल का स्मोक नहीं है वो पानी का है तो डरने की कोई बात नहीं है ये हो जाएगा उसके बाद आप नॉर्मल पेट्रोल डलवाइए बाइक को चलाइए नो वरीज एट ऑल बट वो जो सौ में से एक सिचुएशन होती है उसमें ये हो सकता है कि डीजल की जो विस्कोसिटी है वो पेट्रोल के कंपैरिजन में अलग होती है तो शायद वो आपका फ्यूल पंप या इंजेक्टर है उसको खराब कर सकती है तो ये चीज आप अपने रिस्क पर करिएगा तरीका सही तरीका क्या है सही तरीका यही है आपको फिर इसको खुलवाना पड़ेगा मतलब आपको टैंक को निकलवाना पड़ेगा टैंक को अच्छे से साफ करवाना पड़ेगा जो आपका फ्यूल पंप है उसको अच्छे से साफ कराना पड़ेगा इंजेक्टर की आपको प्रॉपरली तरीके से जो मशीनें होती हैं उनकी हेल्प से ट्यूनिंग या फिर क्लीनिंग तो पक्का करानी ही पड़ेगी अगर आप डीजल डाल देते हो तो पानी डल डल जाता है तो ज्यादा इशू नहीं है पानी मेरे साथ भी हो चुका है काफी बार मेरी आर एन फाइव में भी हो चुका है मेरी आरसी में भी हो चुका है पुराने वाली में तो वो ज्यादा इश्यूज क्रिएट नहीं करता है बस थोड़ा सा व्हाइट स्मोक आएगा साइलेंसर में से एंड यू आर गुड टू गो तो बस गाइज इस वीडियो में यही इंफॉर्मेशन देनी थी कि वो जो हजार दस हजार लाख में से एक बार जो वर्ष के सिनेरियो होता है उसके लिए आपके पास पहले से सोल्यूशन हो सो दैट्स अबाउट दिस वीडियो आई होप इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा अगर ऐसा है देन आप लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड विद दैट सेड फिर मिलेंगे कभी किसी और वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय